जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय से ताज़ा अपडेट। दोस्तों, जैसे कि कल ये स्पष्ट हो चुका था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी होने वाली है, और इसके संबंध में चैनल पर वीडियो डाला हुआ है जिसे आप जरूर देखें, क्योंकि जून 2023 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी कर दिया गया है और पिछले 6 महीनों के आधार पर ही महंगाई भत्ता तय किया जाता है। तो इसी के बाद एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस के बदले ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, और इसी को लेकर आज 1 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो कि इस प्रकार है। तो श्री एडी सिंह ने ये प्रश्न पूछे गए थे कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों को बाजार से जुड़ी मौजूदा पेंशन के स्थान पर अंतिम आहरित वेतन का 40% से 45% पेंशन सुनिश्चित करने का इरादा रखती है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। दूसरा सवाल था यहाँ पर कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है, और तीसरा सवाल यहाँ पर था कि यदि हाँ तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार मौजूदा योजना की समीक्षा कब तक करेगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। इन सभी सवालों के जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 40% से 45% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाए। तो ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास में नहीं है, और सरकार ने जो समीक्षा के लिए समिति का गठन किया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को फिलहाल नहीं सौंपी है, और जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा कब तक की जाएगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि फिलहाल जो समिति का गठन किया गया है, समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है, और इसके संबंध में कुछ ज़्यादा जानकारी सरकार के द्वारा फिलहाल नहीं दी गई है।